हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवल कंप्यूटर वर्ल्ड में। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 का मेलिंग टैब। मेलिंग टैब जो टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है, जिसका इस्तेमाल किसी लेटर को कई सारे लोगों के लिए तैयार करने के लिए तथा उनको मर्ज करने के लिए उपयोग होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमांड होता है मेल मर्ज, जो कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एम एस वर्ड में मेल मर्ज को हम कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक लेटर तैयार है जिसको मतलब कई लोगों को भेजना है, जैसे नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। यानी कई लोगों को अलग अलग भेजना है, जिनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सबका अलग अलग है। अब यहाँ पे हम मेल मर्ज करने के लिए, यानी कि कई लोगों को तैयार करने के लिए, सबसे पहले हम जाते हैं मेलिंग टैब पर। और यहाँ पर जो है कि हम सबसे पहले जो है कि हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पर। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कितने लोगों को हमें लेटर को भेजना है उनका हम लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टाइप न्यू लिस्ट पर। टाइप लिस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिस्ट तैयार करना होता है। यहाँ जैसे हमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, इस तरीके से कई सारे आप कॉलम बने हुए मिलेंगे। हमें इतने कॉलम को यूज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको अपने अनुसार एडिट भी कर सकते हैं। जो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ आना है कस्टमाइज कॉलम्स पे। यहाँ पर हमें कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करना है। और यहाँ देखिए बहुत सारे जो जितने भी मतलब बने हुए हैं फील्ड नेम, तो इन सबको हमें डिलीट करना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे। डिलीट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ऐसे आप इसको डिलीट कर सकते हैं सबको। आप चाहें तो इसको रिनेम भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो हम तो पहले सबको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। इसके लिए आप कर सकते हैं डी वाई दबाएंगे, इससे भी डिलीट होता जाएगा। फिर यहाँ पे आप करना है ऐड। ऐड करने के लिए आप ए दबाएंगे तो ऐड होगा। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम, तो एक होगा नेम, नेम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट करना है एड्रेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। फिर नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, CONTACT, कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिखा। और यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ से हम देखिए यहाँ इसमें जो एक बता रहा है कि डॉट हम इसमें जुड़ेंगे, तो बस हम कॉन्टैक्ट करके ओके कर देते हैं। और यहाँ से हम करेंगे ओके। देखिए यहाँ पे हम क्रम से इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मूव अप, मूव डाउन करके हम क्रम भी चेंज कर सकते हैं, हमें किस क्रम में डालना है। हम यहाँ करते हैं ओके, क्योंकि पहले हमें नेम, एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर रखना है। तो हम ऐसे बना करके इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे नेम, जैसे मान लीजिए हमें पहला भेजना है राकेश को, हमें लिखेंगे राकेश। अब एड्रेस जो हमारी एड्रेस है इनका उर्रा, तो हम डालेंगे उर्रा। फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मान लिया कॉन्टैक्ट नंबर इनका है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर जो कुछ भी होगा हमें तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पर कोई भी इसे संख्या डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मतलब अपने मतलब जिसको लेटर भेजना है उसका रिसीवर का रियल मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है। फिर यहाँ पे करेंगे टैप, टैप करेंगे नीचे रो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे संभाल लीजिए दूसरा भेजना है महेश को, हमें लिखेंगे महेश। अब इसको संभाल लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे अमृतपुर, संभाल एड्रेस में अमृतपुर है। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी जो होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे टैप, टैप करने के बाद फिर से नेक्स्ट संभाल लिखना है दीपक कुमार, अब हम दीपक कुमार लिख देंगे। और फिर जो हमारे इनका एड्रेस जो है मधवापुर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मधवापुर। फिर इनका मोबाइल नंबर भी हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 97 97 96 72 ऐसे कर देंगे। फिर समझ लीजिए किस भेजना है नवल कुमार को, यहाँ लिखेंगे नवल कुमार, इनका फिर एड्रेस है पुराना। और फिर जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको भेजना है सबका हम लिस्ट तैयार कर लेंगे, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर इसके अलावा जैसे ब्लॉक, तहसील, पुलिस स्टेशन, जितना भी मतलब हमें आगे कॉलम रहना, हम बढ़ा करके अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं केवल तीन कॉलम लिया है कि आपको नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं, खास जो है कि आपको आना है कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे करना है ऐड। ऐड करके नया नाम लिख करके ऐड कर देंगे, उसमें आपका अगला बढ़ जाएगा। चलिए फिर हम इतने पे ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें करना है ओके। ओके करेंगे तो इसको सेव करने के लिए आपके सामने कमांड खुलेगा सेव एड्रेस लिस्ट नाम से। तो इसको जो है आप डेस्कटॉप या फिर कहीं भी आप ड्राइव में सेव कर लीजिए। जैसे हम यहाँ देते हैं एड्रेस, एड्रेस नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए ये जो होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस के जो होता है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, उसी के फाइल के रूप में सेव होता है। तो इसको हम यहाँ से करते हैं सेव। देखिए अब ये जो है सेव होकर के हमारे डेस्कटॉप पे आ गया। देखिए ये जो हमारे डेस्कटॉप पे सेव होकर के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मेल मर्ज। मेल मर्ज करने के लिए देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है सिलेक्टेड स्टेंट तो हो ही गया, टाइप नोटिस कर दिया हमने, ये कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे नेम, तो नेम के आगे हमें नेम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और यहाँ करेंगे हम नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सामने नेम लिखा गया जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेम भरेगा। फिर यहाँ पे करना है एड्रेस, तो हम यहाँ पे मर्ज फील्ड देंगे एंड एड्रेस। और फिर नेक्स्ट अगला जो है, अगला हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, यानी वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ जो हमें कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट क्लिक करने के बाद इंसर्ट
मर्ज फील्ड में जा करके करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर जैसा हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। अब जो हमारा मेल भरने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको फिनिश कर देना है। फिनिश जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा कि ये कई सारे मतलब अलग अलग सबका लेटर तैयार हो जाएगा। एक हम यहाँ करेंगे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक और करेंगे इन एडिट इन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि मर्ज रिकॉर्ड यानी आल करना है, करेंट रिकॉर्ड करना है कि फ्रॉम किस से यहाँ तक करना है। तो हमें करना है आल और हम यहाँ करेंगे ओके। देखिए ओके करेंगे, देखिए ये हो गया राकेश उर्रा और कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं डाला था, तो ये जो पहला हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से देखिए सेकेंड जो है, अब ये सेकेंड नंबर देखिए महेश अमृतपुर मोबाइल नंबर जो मैंने डाल दिया था वैसे आ गया। फिर थर्ड नंबर मैंने डाला दीपक कुमार देखिए मधुवापुर, और इनका मोबाइल नंबर जो मैंने डाला था वो मोबाइल नंबर इनके सामने आ गया। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट किया था नवल कुमार, इनका पुराना एड्रेस और मोबाइल नंबर जो था यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो है आपका ऐड हो चुका है। फिर नेक्स्ट, तो ये जो है हमारा इस तरीके से मेल मर्ज हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो आपका लेटर्स अलग बन करके आएगा, जो आपने पहले तैयार किया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अलग बन करके आता है। वैसे ये अलग बन करके आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे कंट्रोल यस से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे अब जो मतलब नाम देना चाहते हैं तो इससे हमारे कि इसको हमें करना है अब प्रिंट करना है, या फिर तो इसको हम जैसे लिख लिया हमारा लिस्ट, ठीक है लिस्ट लेटर, तो मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो नाम आपके ऊपर देने के हिसाब से है, तो यहाँ कुछ भी हम नाम दे देते हैं और फिर हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा बन करके आ गया, ये जो हमारा मेन लेटर है इसको हम अलग सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल यस कर दिया मेरा, ये देखिए जो पहले था नेम नाम से ऑलरेडी यहाँ सेव हो चुका है, और जो मैंने जो बाद में बनाया ये देखिए यहाँ पे हमारा मेल मर्ज होकर के पड़ा हुआ है। तो ये जो है आपका मेलिंग टैब में यही मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट कमांड होता है जिसका हम बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।